रहमान रहीम। अच्छी बनावन लगे हाँ उबले आलू आंडे। ये आलू उबले ने, दो टमाटर कट्टे ने, एक प्याज कट्टे है, चार आंडे उबले रखन लगे हैं। चूल्हा बाल दिता, आलू पहले उबले से, ए दाल का कुकिंग ऑयल शामिल कर लगे हैं। सब तो पहले ये प्याज शामिल करना है। कोल बनाई हुई है दी आलूआं दी, शामिल करना है नमक, सुखा धनिया और थोड़ा जहा गर्म मसाला, हल्दी पाउडर, सुरख मीरे पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करना है। थोड़ी सी बनाई करनी है, टमाटर शामिल कर दिते ने, हरिया मिर्चा ते टमाटर, इन्हां दी बनाई करनी है। अच्छी तरह बनाई करनी, अच्छी तरह बनाई होगी इन्हों की, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, थोड़ी जी दही शामिल करनी है। अच्छी तरह बनाई करके फिर बिच शामिल करने ने, मसाले भी अच्छी तरह बनाई होगी है, छाट दिता है, उबले आलू शामिल करने ने। फिर ये दो मिनट बनाई करनी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, मेहरबानी होगी। उन्होंने पानी शामिल करते हैं, आसे पास इंज डोई ना लाई साफ कर देनी है। माशाल्लाह इन ज़्यादा पानी लम्मा शोरा नहीं करना, रस मिसा जहा करना, फिर अंडे छिलके में शामिल करते हैं। अंडे साढ़े उबल गए हैं, चूल्हा बंद कर लगे हैं, हम इन्होंने छिल के आलू में शामिल कर देने ने। अंडी पक गई है, अंडे छिल दिते ने, छिल के अद्धे अद्धे कर दिते ने, दो दो पीस कर दिते ने। हरिया धनिया शामिल करन लगे हैं, गरम मसाला पीसा है, अंडे है, चूल्हा कर देना है बंद। माशाल्लाह धनिया भी पै गई ने, मसाला भी पै गया है हांडी उत्ते, माशाल्लाह रूह पा गया। साढ़े आलू अंडे बन के तैयार हो गए ने।